आपका नाम? हाँ जी, ज्योति हंसा जी। ज्योति जी, कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े? 7 साल हो गया जी। जी, 7 साल आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो गए। क्या माहौल डेरा सच्चा सौदा में, खासकर महिलाओं को लेकर, आप एक महिला हैं, क्या आज आप खुद को सुरक्षित समझती हैं डेरा सच्चा सौदा में? हाँ जी, ऐसा कितने नहीं है जी, जो महिला को ये पे कराया जाता है, एक का बहुत महिला का इज्जत करी जाती है, इतना इज्जत से रख दिया गुरु जी जैसा, तो डेरा कितने होएगा ही नहीं। बाहर इतने गंदगी फैली हुई है बहुत ज्यादा जी। और जैसे कि पंजाब में एक मुद्दा चल रहा है धर्मों को लेके, तो डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म को सीख दी जाती है, किस धर्म को मानने के लिए कहा जाता है? डेरा सच्चा सौदा जो कितना मालिक एक है, सबका मालिक एक है, कोई धर्म जात कोई नहीं है। जैसे भी धर्म जात दुनिया ने बना रखी है, ऊपर से कोई धर्म जात नहीं है। और पिताजी ऐसा करता, बहन बेटियां को तो ऐसे ऐसे रखता है, पढ़ दे में रहनी चाहिए बहन बेटियां, इतनी इज्जत मिलती है जी। और आज समाज में गुरुजी के ना होने के कारण क्या आपको लगता है आज समाज में गुरुजी की जरूरत है? आज हमारे पिताजी नहीं है, हमारे को अच्छा नहीं लगता, हमारे को गुरुजी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। सख्त से सख्त, इतनी बुराई फैल गई है, बहुत ज्यादा बुराई फैली पड़ी है, इतना गुरुजी बिना था सारी दुनिया आदसी पड़ी है जी। और सरकार से कोई अपील करना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी वार कराया जाए, रवर कराया जाए पिताजी को जी? जल्दी से जल्दी, कोई ऐसा आया नहीं है गुरुजी जैसा, तो कोई है ही नहीं। जैसे जैसे गुरुजी ने बहन बेटियां वाले बता रखे आया, बहन बेटी को बचा के रखो, बार तो अत्याचार कर रहे हैं, शादियां कर लेते हैं, तलाक दे देते हैं, हम तुम्हारे लायक नहीं है छोड़ जाओ। पिताजी तो ये नहीं कहते, पिताजी कहते सब बेटी सब बराबर है, बेटा बेटी सब बराबर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं परविंदर कौर, द फैक्ट आई, धन्यवाद।